में दर्द हो रहा है ना, पर हम रुक नहीं सकते यहाँ। चुप हो जाओ तुम, तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम वापस क्यों आई? अगर मैं यहाँ नहीं होती तुम मर चुके होते। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लिंजी, ताकि मैं इस कलंक से आजाद हो सकूं। मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया राजकुमारी, लेकिन अब आप आजाद हैं जाने के लिए। मेरी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुनो, खराटे मत लो, कंधे पे कौन सोता है? मुझे उठाकर तुम थक गए हो। तुम्हें क्या लगता है? थक गए हो तो मत पूछो। तुम तेज चलोगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आखिर हम जा कहां रहे हैं? जुड़ाओ। कितनी सुंदर जगह है ना। तुम यहाँ पहली बार आई हो क्या? मेरा छोटा भाई यहाँ 4-5 सालों से है, मुझे कभी आने का मौका नहीं मिला, और मैं अपने भाई से मिलने में और इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें लेके और तेज नहीं चल सकता मैं। जो भी हो, मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। उतारो। फिर इतना समय क्यों बर्बाद किया? मैंने काफी इंतजार किया। टेन वुशांग, तुम भूत हो टेन वुशांग। मुझे आपका दुश्मन नहीं बनना राजकुमारी, तो आप हट जाइए, उसे हमारे हवाले कर दो। रोकना बंद करो, अब बस हुआ। मैं तुम्हें जनरल को हाथ लगाने नहीं दूंगी। तो क्या आप सम्राट के खिलाफ जाना चाहती हैं, इस दुश्मन जनरल के लिए? हाँ, तो क्या हुआ? तो फिर मैं आप पे भी दया नहीं करूंगा। मेरे पास ही रहना, संभल के मारो। रुको, भाई। बहन क्या? अनुशांग, पहचाना मुझे? राजकुमार। पहचान लिया? मैं जुड़ाऊ में 5 साल रहा, तब मेरे पास ना सेना थी ना ही ताकत। मैं अब भी जुड़ाऊ का बड़ा राजकुमार हूँ। तुम मेरे लोगों को मेरी इजाजत के बिना नहीं पकड़ सकते, समझ रहे हो क्या? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। कितना दिखावा करते हो आप। दिखावा? तुम्हारा आदेश क्या है? क्या तुम सबके सामने बता सकते हो? बोल दो। अगर तुमने बताने की हिम्मत की तो मैं आदेश मानूंगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बोलो, 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 बोलो। महाराज का आदेश है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। बकवास, लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हो, मुझे पूछने का हक है। चलो। बहन। भाई, लंबे हो गए हो। तुम मुझसे भी लंबी हो गई हो। जनरल क्यू, मैंने सुना मेरी बहन ने आपको खतरे में डाल दिया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं, भाई। शुनुआ कहाँ है? शुनुआ? वो तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। यहाँ नहीं आई? सच में? मैंने तुम्हारे पास मदद के लिए भेजा था, क्या वो अब खतरे में है? उसे क्या खतरा हो सकता है? हो सकता है वो मुझे ना देखना चाहती हो। खैर सुनो, जनरल को अपने कमरे में छोड़कर आओ। ठीक है,
कृपया इस तरफ आइए। अंदर आइए। यहाँ सलाम करना असुविधाजनक है, कृपया मुझे माफ कर देना। तुम समझ रहे हो ना? तुम बाइलिन हो ना? क्यों के बारे में महाराज को पहले ही पता था। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि क्यों के झूठ को नजरअंदाज कर दो। पहले हमारा देश रहना चाहिए, तुम्हें चुपके से जाना होगा। तुम्हारे मालिकों की क्या योजना है? मैं नहीं जानती, मैं बस तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। जब मैं लिंसी जाऊंगी तब उसे ठीक करूंगी। वो आदेश का पालन कर रहा है। भाई, हमारा भाई कठोर और अनुचित हो रहा है और नुकसान कर रहा है। सभी सम्राट एक जैसे होते हैं। तुम्हें सम्राट होना चाहिए। ये सब उस विश्वासघाती मंत्री की गलती है। हमारे भाई को क्रोधित होने के लिए परेशान किया गया था और अपनी माँ को मार डाला। अतीत के बारे में बात मत करो। मुझे पता है, तुम जा सकती हो। जनरल, तुम युद्ध के देवता हो। मैं तुम्हें कब से मिलना चाहती थी। आज रात मुझे तुम्हारी सेवा करने की अनुमति दो। दोगे ना? नहीं, शुक्रिया। जनरल, क्या आप मेरी इतनी सी बात मना करेंगे? ऐसी बात नहीं है, बस थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। तुम जरूर राजकुमारी के बारे में सोच रहे हो ना? बहन, तुम यहाँ कुछ दिन रह सकती हो युद्ध में जाने के बजाय? नहीं, हमारे भाई ने घोषणा की है कि क्यों लियांग ने क्यों के सामने हार मान ली और अब उसने उसे मारने सैनिक भेजे हैं। चिंता मत करो बहन, चाहे जो हो जाए, मैं क्यों का बड़ा राजकुमार हूँ। वो अब जुडोऊ में सुरक्षित हैं, बाकी देखते हैं। तुमने हर वक्त क्यों की रक्षा की है, मुझे आश्चर्य है। तुम उसे पसंद करती हो? हाँ, वैसे ही। चलो चलो। जनरल, कमरा तैयार करो। जी। सुबह उठाया? तुम्हारे हिसाब से ये इतनी सुबह है? मैं कल रात देर से सोई। मैंने सुना राजकुमार ने एक नाजुक और सुंदर नौकरानी की व्यवस्था की तुम्हारे लिए। मुझे लगा कि तुम देर से उठोगे। तुम चुप थे, मैं ये हाँ समझूं? यहाँ तक कि हीरो सुंदरियों के लिए गिर जाते हैं। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? क्या सुंदरता है, आश्चर्य है, या फिर तुम्हें थोड़ी अलग शौक है ना? तुम्हें मर्द पसंद है?
जनरल क्यू, आप रात को ठीक से सोए ना? कल रात को? हाँ, मदद के लिए आपका शुक्रिया। सच में मुझे लिंजिंग जाना है आज के आज ही। अभी तक नहीं, अगर तुमने ये जगह छोड़ी तो ट्विंग वोशंग तुम्हें फिर से परेशान करेंगे। हमने कल रात बात की, हम यहाँ 2 दिन और रुकेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। दुश्मन खेमे का सेनापति अगर यहाँ रुकता है तो इनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। जब से सम्राट ने घोषणा की है कि तुम देश के मुख्यमंत्री हो, तो मैं आपका ख्याल अच्छे से रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सही कहा, युद्ध 3 महीने से ज्यादा चल रहा था, शांति बनाए रखना मुश्किल था। तुम बस थोड़ी देर छुट्टी ले लो, हमें गाँव जाकर खेलना चाहिए, इस अच्छे वातावरण में अच्छा लगेगा। लोग मुझे पहचानते हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बहन तुम एक काम करो, मेरे लिए जनरल को घुमाने के लिए ले जाओ। मुझे खुशी होगी।